हेलो मेरे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और आप देख रहे हैं अपना उज्ज्वल रुला। तो गाइस, तुम्हारा भाई दोबारा वीडियो लेके आ चुका है, क्योंकि मैं पहले वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रहा था क्योंकि बहुत टाइम से कोरोना चल रहा था। फिर मेरे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई थी, बट अब बोर्ड कैंसिल हो गए और लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ क्रिएटिव करूँ अपनी वीडियो में। तो मैंने सोचा यार, मैं कुछ घर पे आज वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने दिमाग में सोचा कि येलो फूड चैलेंज करते हैं फॉर 24 आवर्स। तो येलो फूड चैलेंज करेंगे हम 24 आवर्स के लिए। येलो येलो डिश खाएंगे, जैसे कुछ भी खाएंगे। तो चलो फिर आज आपको पहली डिश दिखाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली येलो डिश है, ये हमारी मिस्सी रोटी और ये है हमारा मैंगो शेक। चलो हम अच्छी पहली बाइट लेते हैं। देखो, ये हमारी मिस्सी रोटी है। घर का खाना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। और ये हमारी मिस्सी रोटी है और ये हमारा मैंगो शेक है। देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइस, ये हमारी येलो येलो है, देखो आप ढंग से देख सकते हो, डार्क येलो में और ये लाइट येलो में। तो आज हम पूरे दिन येलो खाना ही खाएंगे गाइस, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया। और मैं ऐसे ऐसे 24 आवर्स चैलेंज लाता हूँ, लाता रहूँगा और अपनी व्लॉग भी लेके आऊँगा, क्योंकि गाइस आज लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली के अंदर। और आप भी अपने घर में रहो, मेरी तरह इन्जॉय करो और अपने साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब हम येलो फूड खाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डिश के अंदर। एक चिप लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट डिश पे लेके चलते हैं। बाय गाइस, और हम नेक्स्ट डिश पे आते हैं। बाय। दूसरी येलो डिश खाने वाले हैं जो है हमारा सीताफल की सब्जी। यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमारा सीताफल है, ये हमारे सारे मसाले हैं, ये हमारा टमाटर है और हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सीताफल की सब्जी तो पूरी येल्लो होती है, तो सबसे पहले हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसमें हम 2 कड़छी डालेंगे। उसके बाद गाइस हम अपना डालते रहेंगे, साथ में साथ साथ हिलाते भी रहेंगे। इसके बाद हम डालेंगे मेथी दाना। पहले थोड़ा और डाल देते हैं, 2 कड़छी से थोड़ा ज्यादा डाल देता हूँ मैं। इसके बाद थोड़ा ऑयल को हम गर्म होने देंगे, इसके बाद हम डाल। सो गाइज, ये हमारा मेथी दाना है जो सीताफल की सब्जी में पक्का डलता ही डलता है। सारा डाल दूंगा मैं, ये 1 चम्मच जितना था। अब इसके बाद मैं थोड़ा इसे गर्म होने दूंगा। उसके बाद जो हमारे ग्राइंड टमाटर है वो डाल दूंगा। अब गाइज, मैं ग्राइंड टमाटर डालूंगा। साथ साथ में हम इसे हिलाते भी रहेंगे गाइस। देखो ऐसे, जब तक थोड़ा ये कलर छोड़ेगा उसके बाद हम टमाटोज डालेंगे जो ग्राइंड हो सके। ये देखो गाइस, ऐसे कलर छोड़ता है। तो गाइस ऐसे कलर छोड़ेगा जब हमको, उसके बाद हम ग्राइंड टमाटोज डालने हैं। सीताफल की सब्जी भी येलो ही होती है। अब हम टमाटोज डालेंगे, ऐसे ग्राइंड कर रखे हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं अभी डालूंगा। अब हम इसे ऐसे अच्छे से हिलाएंगे इसको। अब इसमें थोड़ा हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा जो नीचे का थोड़ा होता है इसमें थोड़ा हम डाल देते हैं। ऐसे ऐसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे डाल देंगे गाइस। अच्छा, ऐसे हो जाएगा ये। ऐसे हम इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हो गया, इसका कलर आ रहा है इसका। अब ये अच्छे से थोड़ा गर्म हो जाए, इसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर डालेंगे, क्योंकि थोड़ा खटास भी आए। ये देखो, अब हम डालेंगे गाइस हल्दी, ये एक चम्मच जितनी होगी। ये हमने हल्दी डाल दी है। हम इसे साथ साथ हिलाते रहेंगे कि जो लम्स ना बने, जैसे हल्दी के लम्स ना बने और भी किसी चीज़ के लम्स ना बने। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, ये भी 1 चम्मच जितना होगा।
अभी से भी हम साथ साथ हिलाते रहेंगे। लम्स ना बने, मैंने क्या बोला कि भाई अगर लम्स बन जाते हैं तो ढंग से मसाले घूम नहीं पाते हैं। और आपको फ्लेम थोड़ी तेज ही रखनी है। और हम साथ साथ लाल मिर्च भी डाल देते हैं गाइस इसके अंदर। तो गाइस हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे चुटकी पर जितना। ये देखो गाइस हम इतना सा अमचूर डालेंगे, आप देख सकते हो थोड़ा टेस्ट के लिए। डाल दिया, अब इसके बाद हम साथ साथ इसे मिक्स करते रहेंगे थोड़ा अच्छे से, थोड़ा ये मिक्स हो जाए फिर इसके बाद हम डालेंगे अपना सीते फल की सब्जी जो येलो कलर की होती है। अच्छे से हम इसे मिक्स करते रहेंगे कि लम्स ना बने, चारों साइड तक हम घुमाएंगे। मैंने सिम पे कर दिया गैस। अगर आपको मेरी ऐसी अच्छी डिश अच्छी लगी तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊं, कि मेरे को भी शेफ बन जाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अभी अच्छे से हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे अपनी सीताफल की सब्जी। ये देखो गाइस अच्छा कलर आ चुका है, मुझे लग रहा है कि मैं शेफ बन सकता हूँ। अब मैं सीताफल डाल दूंगा गाइस, सिम पे कर दिया है, और सारा डाल दूंगा मैं ऐसे आराम आराम से डालना गाइस। सारा मैंने डाल दिया है, अच्छे से सारा डाल दिया है। मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था इसलिए मैंने थोड़े मसाले ज़्यादा डाले थे। अगर आपको एक जने के लिए डालना है तो थोड़े आप मसाले कम भी डाल सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगा। थोड़ा मैं पहली बार बना रहा हूँ तो गाइस प्लीज़ थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि मैं इतना परफेक्ट हूँ नहीं, जस्ट ट्राइंग। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा गाइस, एक गिलास जितना पानी डालूंगा मैं इसके अंदर। और मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, मैं थोड़ी फ्लेम तेज करूंगा और फिर मिक्स कर दूंगा अच्छे से। अच्छे से मिक्स होने देते हैं हम इसको। अब इसमें थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को बंद कर देते हैं और सिम पे रख देते हैं कि फिर उसके बाद थोड़ा अच्छे से पक जाए, फिर हम इसको 10 मिनट बाद आते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। चलो फिर सीताफल तैयार हो चुका है, देखो क्या कलर आ रहा है, मैंने बनाया गाइस मैंने। ये देखो क्या बढ़िया सी मैंने इसमें हरी मिर्च वरी मिर्च सबको डाल दिया है। अब ये तैयार हो गया गाइस, अभी येलो है पूरा, देख सकते हो। अगर आप इसे बोल सकते हो कि पूरा येलो है। अब हम रोटी खाएंगे इसके बाद, हम ट्राई करेंगे कि रोटी को भी येलो करें, उसके बाद हम येलो फूड चैनल की दूसरी डिश भी पूरी हो जाएगी। अब हम इसे बंद करते हैं, इसके बाद हम खाएंगे अपनी रोटी और उसके बाद हम नेक्स्ट डिश पे पहुंचेंगे। तो चलो गाइस अब हम इसे बंद कर देते हैं, अब पहुंचते हैं नेक्स्ट डिश के अंदर। सब्जी जो मैंने बनाई है देखो गाइस ये येलो है, ऐसे हम थोड़ा सा नींबू डालते हैं ऐसे स्क्वीज करके, क्योंकि सीताफल की सब्जी में अगर आप नींबू ना डालो तो क्या डालो। और ये मैंने हमारी रोटी है नॉर्मल, मैंने येलो करने की कोशिश करी है, देखो पीछे से थोड़ा येलो आपको दिख रहा होगा, देखो थोड़ा बहुत दिख रहा है। हम इसे ट्राई करते हैं उज्ज्वल अरोड़ा ने कैसी बनाई है, क्योंकि उज्ज्वल अरोड़ा भी एक शेफ से कम नहीं है। अब मैं इसे खा के देखता हूँ, ये देखो वाह, मुझे लगता है कि इनको मास्टर शेफ में चले जाने चाहिए क्योंकि इतना अच्छी डिश पहली बारी में, वाह जो मेरा टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा। ऊपर से जो मैंने नींबू स्क्वीज करा वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जो मेरी चपाती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखो बहुत अच्छी तरीके से है,
बहुत अच्छी बनी है देखो, और जो आफ्टर टेस्ट आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो ये हमारा, हमने दूसरी चीज हो गई, हमारा लंच हो चुका है गाइस। अभी हमारा सूजी का हलवा है येलो कलर का, ये भी येलो है देखो, आप पूरा देख सकते हो ये सब कुछ हमारे येलो में। हम आपको सूजी का हलवा टेस्ट करके दिखाते हैं, ये देखो तो गाइस मैं अभी इसको चम्मच से खा के देखता हूँ। देखो सूजी का हलवा जवाब घर के खाने का तो सबसे बढ़िया टेस्ट होता है, वाह मजा आ गया। तो ये हमारी दूसरी चीज हो गई लंच के अंदर येलो। अब हम तीसरी चीज 5 या 6 बजे के करीब स्नैक्स खाएंगे, स्नैक्स के बाद फिर हमारा डिनर होगा। तो हमारी टोटल 4 चीजें होंगी, 2 हो गई या 2 बची येल्लो के अंदर। देखते हैं आगे जाके कि क्या येल्लो के अंदर क्या नहीं। तो चलिए आपको नेक्स्ट डिश के अंदर मिलते हैं, बाय। गाइस ये हमारे स्नैक्स का टाइम है और इसमें हम येल्लो डिश, मुझे कुछ सूझी नहीं तो मैंने सारे येल्लो चिप्स एंड जूस ले आया हूँ। ये जूस के अंदर हमारा माजा की बॉटल है, ये कुरकुरे का सॉलिड मस्ती है, ये भी येल्लो के अंदर आता है, ये लेस का सॉल्टेड क्लासिक सॉल्टेड है, और ये कर्ल्स का क्रैक्स का कर्ल्स है, तो सारे येल्लो है। तो सबसे पहले हम खाएंगे सॉलिड मस्ती। गाइस देखो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और ये भी ये लाइट येल्लो के अंदर आता है। देखो गाइस ये सेकेंड येल्लो चिप्स है। ये गाइस मेरे स्नैक्स का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं अभी। ये लाइट येल्लो के अंदर लेज है, देखो मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने ये चिप्स उठा लिया। ओह बहुत ही बढ़िया, ये वाले चिप्स जो सबसे बेस्ट लगते हैं, स्वाद में मजा पीते हैं येल्लो येल्लो। तो है ये लो। अब गाइस हम इन स्नैक्स के बाद हम पहुंचेंगे इसके बाद हम डिनर पे, और उसके बाद हमारा चैनल खत्म हो जाएगा। मैं खुल जा गाइस, ये तो मजे ले रहे हैं हमारे साथ, खुले। अब ये है कर्ल्स जो प्योर येल्लो होते हैं, ये देखो, ये देखो गाइस, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ये येल्लो है, ये देख सकते हो। हाँ तो अब हमारा स्नैक्स ख़त्म हो गया, स्नैक्स का हो गया है, अब हम रात को डिनर पे पहुँचेंगे। अब डिनर में देखते हैं क्या मिलता हमें और क्या नहीं। मज़ा आ गया, दोबारा आपको सब कुछ दिखा देते, सब कुछ येल्लो है, और लास्ट में हम डिनर में देखते क्या येल्लो होता है और क्या नहीं। तो मिलते हैं अब हम आपको डिनर के अंदर, बाय गाइस। मैं मैगी बना रहा हूँ रात के डिनर के लिए, तो मैं कुछ मैगी बनाऊंगा आज। मैं 2 मैगी है, ये रात के बज रहे हैं 7:30, तो हम मैगी बनाएंगे। ये मैगी को हम पानी को हमने उबाली में डाल दिया, हमने ये आधा 1 गिलास जितना हमने पानी डाला होगा, 1.5 गिलास जितना। 2 मैगी है क्योंकि 2 मैगी है, तो फाड़ रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी मैगी खाते हो। मैं 2 खाता था, मैं 2 डाल रहा हूँ, तो अगर 1 डालनी हो तो 1 डाल सकते हो आप। गाइस हमने मैगी डाली है इसको, भाई मैगी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैगी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अपनी दूसरी मैगी फाड़ के डालते हैं। सो गाइस अगर आपको बताना चाहिए कि ऐसी मेरी और खाने पीने की मैं बनाऊं वीडियो कि नहीं, 24 आवर चैलेंज लाऊं, या फिर कुछ भी अपने आप मैं खुद बनाते हुए खाने की वीडियो डालूं कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। ये हम दूसरी मैगी डालते हैं, या अब हम उसका मसाला डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा उसे बनने देंगे, उसके बाद हम बटर वटर डाल के मैगी को तैयार कर देंगे।
और अभी इसका मसाला डाल रहे हैं। गाइस कौन कौन बताओ मैगी का मसाला किसको टेस्टी लगता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे मैगी का मसाला इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मेरे को मैगी से ज़्यादा उसका मसाला की खिला दो, वो ही ज़्यादा है। अब हम दूसरा वाला पैकेट डालेंगे। ये मैगी बन रही है, उसके बाद हम आपको फिर डिनर के बाद मिलते हैं। और गाइस इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट जरूर दिखा रहे हैं यार, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा मैगी को मिक्स करेंगे कड़छी के साथ। ऐसे आप ऊपर ऊपर पानी डालोगे तो मैगी जल्दी बन जाती है, जो मैगी वाले 2 मिनट में बोलते हैं वो शायद कम। गाइस ये भी बताना कि किसी की 2 मिनट में मैगी बनी है, जो उनके पैकेट में लिख रखा होता है कि 2 मिनट में बनी है, तो प्लीज़ इसको भी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे तो कभी नहीं बनी मैगी 2 मिनट में। अब चलो मैं अब आपको मैगी बन जाती है आपको जब दिखाता हूँ। चुकी आज ही बन चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे टेस्ट के लिए। गाइस जो बटर होता है ना एकदम बढ़िया सी मैगी को बना देता है। हम इसको अच्छे से हम घुमाएंगे। अच्छे से नीचे रख देंगे, अच्छे से देखो हो रही है। किस किस को गाइस सूपी मैगी पसंद है, किस किस को नॉर्मल मैगी पसंद है वो भी ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल मैगी पसंद है। बहुत ज़्यादा लोगों को सूपी मैगी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो गाइस हमारी मैगी 85% रेडी हो चुकी है, बस 25% रह रही है। उसके बाद हम मैगी, देखो यार मैगी तो एक ऐसी चीज़ है कि मेरे को कभी भी खिला दो। अब गाइस मैगी तैयार होगी, फिर हम उसके बाद आपको येलो डिश का चैलेंज पूरा होगा। गाइस थोड़ा बहुत ही चैलेंज मुश्किल लगा मेरे को, क्योंकि मेरे को बनाना पड़ा ना अगर मैं ना बनाता तो मुश्किल ना लगता, पर इसी की वजह से वीडियो के चक्कर में थोड़ा मैं बनाना भी सीखूंगा। अब मैं थोड़ा बहुत अच्छा बन गया खाने वाला, तो मैं एक और चैनल खोल लूँगा फूड का। गाइस जिसने मेरे चैनल को उज्ज्वल अरोला को सब्सक्राइब नहीं करा वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी से वीडियो देखते देखते एंजॉय करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। तो गाइस अब हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, हम थोड़े फ्लेम को तेज करते हैं। देखो गाइस रेडी हो चुकी है। रेडी हो चुकी है 98% रेडी। बस 2 मिनट और से चलाते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस अब हम इसे बंद कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिनर करके दिखाते हैं। बाय गाइस। गाइस डिनर मैगी और मैंगो, ये हमारी मैगी है और ये हमारा मैंगो है, तो ये दोनों येलो येलो है। ये हम खा के देखते हैं मैगी को। हाँ मैगी एज यूजुअल टेस्टी है, उसके ऊपर जो बटर का टेस्ट आ रहा है वो भी बहुत टेस्टी है। जो बटर का टेस्ट होता है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है मैगी को। अगर आप अपनी मैगी में बटर नहीं डालते हो तो प्लीज़ डाला करो, जो मैगी को टेस्टी बना देता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम एक और बाइट मैगी की लेते हैं। किस किस ने ऐसे बचपन में रोल करके खाया था मेरे को प्लीज़ बताना। मैं तो हमेशा ऐसे रोल करके खाता था, बड़ा मज़ा आता था। तो गाइस मेरे को ये भी बताना कि आप सबको ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जो हमारी मैगी हो गई, मैं हमको मैंगो बताएंगे। ये हमारा डिज़र्ट हो गया रात का, ये हमारा डिज़र्ट हो गया मैंगो। हाँ मीठा मीठा मैंगो। गाइस किस किस को मैंगो खाना पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अब हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कैसा लगा आपको मैं हमारा येलो
चैलेंज जो हमने 24 आवर्स करा, हमने उसे चार डिशेस खाई, चारों आपको अगर पसंद आई हो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल उज्ज्वल अरोला को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और जितना हो सके उतना शेयर करना हमारे चैनल का। और प्लीज़ भाई लाइक वाइक कर दिया करो, आजकल तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।